हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो यार, ये 1971 वार की कोई रियलिटी है, पता नहीं क्या ये रौनक भाई बताएंगे। वैसे तो देखा है हमने, अभी हमें भी पता चल गया है हकीकत क्या है, लेकिन इस बार ये रौनक भाई से सुनते हैं तो प्ले करें। 1971 में अगर बांग्लादेश बना तो उसमें भारत और उस वक्त की मुक्ति वाहिनी से ज्यादा खुद पाकिस्तानी फौज का रोल था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने से 10 साल पहले ही पाकिस्तानी जनरल और राष्ट्रपति अयूब खान ही चाहते थे कि ये बंगाली हमारी जान छोड़ दें, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? हो सकता है एक पल के लिए आप ये सोचें कि रौनक भाई ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज ही अपना देश तोड़ना चाहती थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और आज की इस वीडियो में पूरे सबूतों के साथ हम ये बात आपके सामने रखेंगे। और आज ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका जश्न मनाने लगे। जिस तरह से जिहादियों की भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा, उसे भी पूरी दुनिया ने देखा। ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जिनका बांग्लादेश बनाने में बड़ा रोल था, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान भारत के एजेंट थे। बाद में उनकी बेटी शेख हसीना जब बांग्लादेश की पीएम बनी तो लोग उनसे भी इसलिए चिढ़ते थे कि वो भारत से दोस्ती क्यों रखती है। इसलिए जैसे ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया, उनके म्यूजियम तक में घुसकर तोड़फोड़ की गई, तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में बैठे सारे जिहादी जमीन पर गुलाटियां खाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति टूटने पर पाकिस्तानी पत्रकार शमा जुनेजो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। इसी मामले पर पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, देखो उसका क्या हश्र हुआ। आर्मी के पालतू शहबाज ने ये तक कहा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। जब मैं ये सब बातें सुनता हूँ तो मेरे को ना हंसी आती है दोस्तों, और रोना भी आता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ताली पीटनी है या फिर अपना सर पीटना है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यही झूठ पढ़ाया जा रहा है कि इसके पीछे भारत और बांग्लादेश में बैठे भारत के समर्थकों का हाथ था। यहां तक कि 1971 के बाद से पाकिस्तान का हर फौजी हुक्मरान इस बात का भी दम भरता है कि जब तक हम 71 की हार का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान ने 1958 में ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ानी है। उन्हें लगता था कि बिना पूर्वी पाकिस्तान से जान छुड़ाए पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तमाम बातें पाकिस्तानी फौजियों और उस वक्त के पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी अलग अलग किताबों में लिख रखी है। और इतना ही नहीं, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर करने वाले जिस जनरल नियाजी की तस्वीरें हम इतने सालों से देख रहे हैं, सच तो ये है कि उसे भी पाकिस्तान में किसी ने सरेंडर करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो भारतीय फौज से इतना डर गया था कि उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रेफरेंस भी मैं आपको जरूर दूंगा। आज की वीडियो में हम एक एक करके उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसका जिक्र भारत तो क्या, खुद पाकिस्तान तक में नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। इस काम में उस वक्त के जिस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अयूब खान का साथ दिया था, अयूब खान पहली फुर्सत में उसे ही राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिए थे। मगर असली कहानी शुरू हुई 1962 में। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान के 1956 के संविधान को खारिज करके वहां नया संविधान लाने की तैयारी कर ली। उस वक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले एक बंगाली मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम थे। 1962 के उन हालातों का जिक्र करते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में लिखा है कि मैंने अयूब खान को साफ कहा था कि अगर आप ये नया संविधान ले आए तो पाकिस्तान टूट भी सकता है, मगर अयूब खान नहीं माने और मजबूरी में मैंने कानून मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अयूब खान ने एक पंजाबी जज मुनीर साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया। मुनीर साहब ने अपनी किताब जिन्ना टू जिया में लिखा कि अयूब खान मुझसे कहते थे, क्या कहते थे इसे ध्यान से सुनिएगा। अयूब खान जज मुनीर से कहते थे कि यार ये बंगाली हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, तुम इनसे हमारी जान छोड़ा। मतलब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो वहां का आर्मी चीफ भी रहा था, वो खुद 1962 में ये मन बना चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हमें साथ नहीं रखना है। अयूब खान के कहने पर जज मुनीर ने इस बारे में उस वक्त के बंगाली मिनिस्टर रमीजुद्दीन से बात करी कि यार कुछ रास्ता निकालो ताकि तुम लोगों की मांगे भी पूरी हो जाए और तुम्हें अलग से कुछ मिल भी जाए। ये सुनकर रमीजुद्दीन भी भड़क गए। रमीजुद्दीन को समझ में आ गया कि उन लोगों से कहा जा रहा था वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें फिर से बता दें कि जब पाकिस्तान बना था
तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की टोटल 56% आबादी रहती थी। मतलब बंगाली मुसलमान मेजोरिटी में थे, इसलिए रमीजुद्दीन और बाकी मुस्लिम मंत्री और नेता इस बात पर भड़क रहे थे कि हम क्यों अलग हो जाएं, मेजोरिटी तो हम हैं, अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ। जो नहीं जानते कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट चलाया उसकी नींव भी ढाका में रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी फौज वेस्ट पाकिस्तान को और खुद को ही असली पाकिस्तान समझती थी। बांग्लादेश को बनाने के पीछे खुद पाकिस्तानी फौज और अयूब खान थे। अगर ये साबित करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं है तो एक सबूत और देखिए, हर्बर्ट फेल्डमैन की एक किताब है The End and Beginning of Pakistan। इस किताब में अयूब खान के एक इंटरव्यू को दोबारा छापा गया। ये इंटरव्यू अयूब खान ने एक ब्रिटिश अखबार को अक्टूबर 1972 में दिया था, जिसमें अयूब खान ने खुद कहा था कि वो तो काफी वक्त से बंगालियों को एक अलग देश देने का प्लान कर रहे थे, मगर कुछ चीजें उनके रास्ते में आ गई। मुझे लगता है इतनी बातें और इतने सारे सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि अगर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना तो इसके पीछे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों और भारत से ज्यादा बड़ा रोल तो खुद पाकिस्तानी फौज और उस टाइम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान का था, जिन्हें लगता था कि हमें इन बंगालियों को अपने साथ रखना ही नहीं है। पाकिस्तान की पंजाबी फौज इन बंगालियों को खुद से इंफीरियर समझती थी। वो लोग बंगालियों के रंग का, उनकी भाषा का, उनके खाने पीने का मजाक उड़ाते। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले और इसे अपने चैनल पर डाला भी था, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते। मगर हैरानी और मजे की बात यह है कि खुद बंगाली मुसलमानों को गाली देने के बाद, उनसे अपनी जान छुड़ाने के बाद, आज भी पाकिस्तान की स्कूली किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के सेंटर बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबों में साफ लिखा है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में भारत का बड़ा रोल था। इन किताबों में ये भी लिखा है कि इंडियन लीडर्स को पाकिस्तान का बनना पसंद नहीं था और बंटवारे के बाद से भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी। किताब में ये भी लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे जो भारत के प्रति हमदर्दी रखते थे, और धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान भी उनकी बातों में आ गए। मतलब अब इस पे क्या ही कहा जाए। मुझे लगता है ये कहानी तो अच्छी है, मगर इसे स्कूली किताब में नहीं, अखबार के किसी आखिरी पेज पर चुटकुल्ले वाले कॉलम में होना चाहिए था। मतलब अपने गिरेबान में झांकने की बजाय अपनी हर गलती का ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ दो। पाकिस्तान सरकार का तो बस नहीं चलता भैया, वरना तो इनके घर अगर दूध भी फट जाए तो ये लोग कहेंगे कि इसमें मोदी का हाथ था, हमारा दूध उसी ने फाड़ा है, अमित शाह अभी आए और हमारा दूध सील कर दें, और दूध नहीं सील सकते तो इसके बदले 100 ग्राम पनीर दे दें। मतलब हद है पाकिस्तानियों की, है सॉरी पाकिस्तानियों की सॉरी। मतलब ये लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये लोग अपने ही लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। मतलब तुम लोग ये कबूल ही नहीं करोगे कि तुम बंगाली मुसलमानों के कल्चर की कदर नहीं कर पाए। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने ढाका में जाकर जबरदस्ती उन पर उर्दू जुबान थोपने की कोशिश की। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी फौज के पंजाबियों को लगता था कि बंगाली भाषा तो हिंदू धर्म से जुड़ी है और इस जबान का एक इस्लामिक देश पाकिस्तान में क्या काम। बांग्लादेश की हिस्ट्री पर किताब लिखने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के कारण वो पाकिस्तान में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही वहां पर उत्तर भारत से गए उर्दू बोलने वाले मुसलमान हावी हो गए और देश की कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ये लोग साउथ एशिया में खुद को मुस्लिम आंदोलन का रखवाला समझते थे। हैरानी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के 50 सालों बाद आज भी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को नहीं माना है। 70 के चुनावों के बाद पाकिस्तानी फौज ने जब मुजीबुर रहमान को देश का पीएम नहीं बनाया तो पूर्वी बंगाल के लोग भड़क गए थे। उस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आज के बांग्लादेश में जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म जैसी मिसाल पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने वहां इतनी औरतों के साथ रेप किए कि बाद में बांग्लादेश में ऐसे कितने बच्चे पैदा हुए जिन्हें वॉर बेबीज कहा जाता है। क्या इससे घिनौना काम कोई फौज अपने लोगों के साथ कर सकती है, बताइए। कश्मीर में एक वक्त पत्थरबाजों से निपटते वक्त अगर किसी एक को भी रबड़ की गोली लग जाती थी तो पाकिस्तानी सरकार उस एक घायल व्यक्ति की भी तस्वीरें दिखाकर यूएन में ये साबित करने की कोशिश करती थी कि देखो भारत अपने ही लोगों के साथ कैसे जुल्म कर रहा है। और खुद पाकिस्तान का कैरेक्टर यह है कि उसके फौजी अपनी ही देश के औरतों के साथ रेप करके उनको सबक सिखाते। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी फौज को जब दौड़ा दौड़ा कर मारा था, सिर्फ 10 दिन में उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया था। हमने पाकिस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शिमला अग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक शर्त यह भी थी कि पाकिस्तानी सरकार बंगालियों के साथ किए गए जुल्म के लिए उनसे माफी मांगेगी। मगर ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जिसने आज तक ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आज तक बंगालियों से माफी नहीं मांगी।
पाकिस्तानी फौज की तरफ से बांग्लादेश में किए गए जुल्म की जांच करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने हमीदुर रहमान आयोग भी बनाया था, मगर सालों तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की गई। इस रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किया। वहीं बीबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से खुद बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख बंगालियों को मारा था, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1971 से इन लोगों ने कोई सबक ले लिया होता तब भी ठीक था, ये लोग आज भी आए दिन बलूचियों पर हमले कर रहे हैं, आए दिन पाक कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, सिंध में हर दिन हिंदू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार हो रहे हैं, हर कुछ महीने बाद IMF से भीख मांगकर ये देश चलाते हैं। 77 सालों बाद भी इनके देश में कभी ढंग से जमहूरियत आई ही नहीं है, और इनका बेशरम प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने पर ताली बजा रहा है। जिन शेख मुजीबुर रहमान को आपने मजबूर किया कि वो अपने लोगों के लिए अलग देश मांगे, आज उन्हीं का बुत टूटने पर ये लोग ताली बजा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर पूरी दुनिया में इससे ज्यादा निर्लज कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन शहबाज शरीफ के पास खुद अपने पजामे का नाड़ा बदलने के लिए पैसे नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को हर मदद देने को तैयार हैं। भाई हेलो, तुम बांग्लादेशियों से 6 महीने कोई उधार मत मांगना, यही उनकी सबसे बड़ी मदद होगी, समझे? तुम खुद ग्रेवी में थर्माकोल डालकर उसे शाही पनीर बोलकर मेहमानों को खिला देते हो, तुम करोगे दूसरों की मदद? खुद तुम्हारा देश कब तक है कब तक नहीं है इसका ठिकाना नहीं, और तुम बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर ताली बजा रहे हो। वाह, एक बार मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डॉगी की वो दुम है जिसे आप 10 साल तक भी पाइप में डालकर रखो ना तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, मगर इनकी दुम सीधी नहीं होनी। तुम आज भी मंसूबे पाले हुए हो कि एक वक्त तुम्हारी फौजी ताकत बढ़ी तो तुम कश्मीर भारत से छीन लोगे, दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी झंडा फहरा दोगे। अरे बकरी चोरों, भारत से हुए 4-4 युद्धों में तो तुम जुतियाए गए हो। ऊपर से मैंने हामिद मीर साहब की जिस वीडियो का जिक्र किया था, उसी वीडियो में हामिद मीर साहब ने यह भी बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, तब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा ही नहीं गया था। हकीकत यह है कि भारतीय फौज से घिरने के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इतना घबरा गए थे कि वो बच्चों की तरह रोने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें मार न दे। उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर मिला था कि सीज फायर कर लो, मगर उन्होंने घबरा कर सरेंडर कर दिया। बकरी चोरों, ये औकात है तुम्हारी फौज की, जिनके दम पर तुम भारत से कश्मीर लेना चाहते, जिसका फौजी जनरल वॉर के मैदान में पैंट गीली कर दे, उसके बाकी फौजियों की क्या हैसियत होगी बताओ? तुमसे अच्छे तो हमास के लड़ाके हैं, जो 10 महीने से इसराइल जैसी ताकतवर फौज से जैसे तैसे लड़ते रहे, और तुम्हारे 90,000 फौजी इतने फट्टू थे कि बिना लड़े ही 10 दिन में सरेंडर कर दिए। दुनिया की तारीख में किसी फौज ने ऐसी नपुंसकता नहीं दिखाई। ऐसे लोगों को फौज में भेजने से अच्छा है कि इनसे ईद के मौके पर औरतों को मेहंदी लगवा दो। वैसे भी अपना पिछवाड़ा लाल करवाने से अच्छा है किसी बहन बेटी के हाथ लाल किए जाए। बाकी तुम्हारी बेइज्जती में अगर कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताना, क्योंकि मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कर दिया है। कुछ कमी रह गई होगी तो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अपने पड़ोसी के लिए अगर आप कुछ 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेकिन ये वीडियो भी हर एक दोस्त से अपने जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मजा आ गया रौनक भाई, क्या आपने धोया है आज। मतलब हम हमेशा इंडिया पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये साजिशें करता है, ये अलग करता है, ये देश को तोड़वाना चाहता है हमारे मुल्क को, लेकिन हमने शुरुआत ही हमने किया, हमने कभी बांग्लादेशियों को अपना माना ही नहीं। उनकी जो अपनी लैंग्वेज है वहाँ पर भी बोल रहे हैं, हमारे कायदे आज़म ने बोला उर्दू बोलो, ये बंगाली नहीं बोलो भाई, उर्दू ही चाहिए हमें। तो भाई कैसे बोलेंगे जब उनकी ज़बान ही नहीं है? तो वो ज़बरदस्ती करोगे तो फिर तो वो इनकलाब आएगा ना। और इसने बोला कि भाई वहाँ पर जो अयूब खान था वो तो चाहता ही नहीं था इन बंगालियों को, बोलता था ये शिकायतें करते हैं निकालो इनको। 1962 से ही उसका मतलब प्लान था कि भाई इनको अलग करो, बस वो मौके की तलाश में था। और तभी तो हमारे फौजियों ने सरेंडर किया, उनको पता था हमारे लीडरों में वो जान ही नहीं है, वो आएंगे ही नहीं सामने, हमें ही कुर्बानी देनी होगी। तो उन्होंने मौका देखा, बोला भाई ले लो हम सरेंडर करते हैं। तो हम पहले मतलब अफसोस करते थे यार इतने फौजी कैसे सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन असल वजह ये है भाई पीछे वालों ने जो काम बिगाड़े थे ना, तो उन्होंने बस मजबूरन वो ये कदम उठाया। और आज तक ये हमें टोकते हैं कि भाई 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया, तो जब पीछे जो बड़े हैं वही भाई हिम्मत हार बैठेंगे, वही कहेंगे भाई ये नहीं चाहिए हमें, तो फिर फौजी क्या करेंगे? और हमारे जो PM साहब हैं शहबाज शरीफ, वो खुश होते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तालियां बजाता है यार अपना मुल्क नहीं संभाल पाते, दूसरों के फड्डे में भाई ऐसे कूद पड़ते हो।
अपना मुल्क पहले सुधारो, उसको संवारो यार। हर बार हमें बेइज्जती सुननी पड़ती है, हमें भी आदत हो गई। अब जब भी ये हमारे पाकिस्तान कुछ बोलते हैं ना, तो हमें पता है रियलिटी क्या है, तो इस वजह से हम भी खामोश हैं। तो बहुत आज इन्होंने ना रियलिटी खुलासे हमें बताया भाई अयूब खान के बारे में ना, हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, बाकी जो बात हमें पता चली है ना भाई साहब, बड़ा ये मतलब खुलासा हुआ। और हमारा जो कायदे आजम है, वो भी कबर में सोचता होगा किनको मैंने मुल्क दे दिया भाई, मेरे बाद इन्होंने क्या अशर कर दिया है पाकिस्तान का। आज तक हम मतलब नहीं बन पाए एक असली जो होते हैं ना कंट्री, जो आज़ाद होते हैं तो फिर वो दिखाते हैं दुनिया को पावर, लेकिन आज भी हम करदे पे चल रहे हैं। ये बड़ा अफसोस होता है हमें, और हम इंडिया के साथ कंपेरिजन करते हैं। इंडिया भाई कुछ भी नहीं है, हम ये लाल किला, ये झंडा इस्लामी, ये कुछ नहीं होगा। वो भाई सही है भाई, जमहूरियत वाला मुल्क है, डेमोक्रेसी वहाँ पर, असल आज़ादी वहाँ पर है। तो हम इंडिया को मानते, पाकिस्तान भाई पता नहीं कब आगे जाएगा। सही बात है यार, हम बस इंतज़ार करेंगे हमारा मुल्क तरक्की करे, बाकी ख्वाबों में देखेंगे तरक्की कर रहा है, ऐसे तो लग ही नहीं रहा भाई, 50 साल भी गुजर जाएंगे ना, यही हमारा काम है भाई, जो काम करते हैं वो ही मिलेगा ना सिला भी भाई। नहीं देखना चाहते जो हम हार गए ना जंगे, ये रौनक भाई और दूसरे इंडिया वाले याद दिला देते हैं हमें, भाई साहब आप 93,000 सरेंडर कर दिया यार, लड़ते हो सही, थोड़ा क्या होता, थोड़े बहुत शहीद हो जाते क्या, जज्बे से लड़ते हैं ना अभी भाई, जो भी उठता है हर रोज हमारी बेइज्जती करके जाता है कि आपके सरेंडर कर दिया है फौज ने, यार क्या करें अब, और उनके पास वीडियोस भी है ना भाई, सिग्नेचर हो रहे हैं, हथियार नीचे रख रहे, ये ना होते ना तो हम भी लड़ते इनके साथ भाई, अभी सबूत भी है, सिग्नेचर हो रहे हैं, वो इन्होंने भी सजा के रख दिए भाई इनकी सरेंडर, हमारी टैंकर वो इनकी सजा के रखी है, झंडे उल्टे लगा के रखे हैं, ये निशान इनके पास है भाई, और ये हमें नहीं छोड़ेंगे आज तक, ये मुंह का पक्का बन गया है वह कार्रवाई, बाकी इसको भी अंदर में दर्द है, ये जो रौनक भाई टोकते हैं ना हमें, ये बड़ी आग लगा देते हैं भाई, हम पाकिस्तानियों में ऐसी ऐसे, हमारा पाकिस्तान बोल रहा है हमें, पाकिस्तान का नाम ठीक से ले बस, ये वह कार्रवाई पक्का बना हुआ है, इसको जैसे दर्द नहीं हुआ है, बोलो वह कार्रवाई। रौनक भाई वाले भी झक मारते रहते, बस ये जब भी आते ट्रोल करते रहते पाकिस्तानियों को, बस इसकी भी जंग बस पाकिस्तानी के साथ हुई है ना, चाइना के साथ भी लड़े ना कभी, हिस्ट्री वो भी दिखाए ना हमें भी, चाइना वाले वो बच्चे ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो वो रो रहे ना, असल वाले नहीं मानता ये भाई, मैं नहीं मानता ये वाले हमारी जो मैं ये सबूत पुराने मर गए लोग, मैं भी लिख कर मर जाऊं तो भाई इंडिया को हमने ठोका था, फिर मैं नहीं मानता इस चीज को, ये जैसे दिखा, अरे कुछ भी नहीं, ये भी सबूत, इसको भी जब पूरी दुनिया वाले टोल कर रहे हैं ना आर्मी, पूरी दुनिया वाले बंगालियों को इन लोगों ने तोड़ा है, शेख हसीना वाले हंस भी रहा था चाइना के, रो रहे थे ना ये भी कुछ भाई हंस भाई रहा था, वो बच्चे जा रहे थे स्कूल में, इसको धक्के मार मार कर ले जा रहे थे, वो बता रहे सबके एक एक बेटा था, तो वो रोएंगे ना भाई, वो दो दो चार चार होते तो, आप रियलिटी एक्सेप्ट करो जो भी है, मतलब भाई मुझे दर्द होता है भाई, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, आज भाई मुझे दुख होता है, 1.5 साल पुराना वाला मैं भाड़ में जाए भाई, रौनक भाई भी झक मारता रहता है, मैं मानता नहीं उस चीज को। असल में जो रौनक भाई है या रौनक भाई जो भी नाम है, अगर बात सुनो ना, अगर एक बंदा गलत जबान बोले ना, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत करेंगे। गलत क्या बोला इसने भाई? कुछ लफ्ज ऐसे है जो आपने शायद पॉइंट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने उनकी कुछ लफ्ज पॉइंट किए हैं, जो लफ्ज उसने बताए ना, तो कसम खुदा की मुझे तो गुस्सा आ गया था, अल्फाज तो मेरे पास ज़्यादा है लेकिन मैं कुछ कम बोलूँगा, बेहतर है जो आप महसूस किया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो उस बंदे का लफ्ज लफ्ज नोट करते हैं कि इसने तो क्या बोला, किस वजह भी बोला, वो तो प्रूफ दे रहा है बेटा, देखो ना उसी ने प्रूफ पे बोला है, ठीक है, वो कौन होता है पूरी कौम को गाली देने वाला भाई, उसके 40 लाख सब्सक्राइबर है, वो बड़ी पहुंच, 40 लाख हो या 50 करोड़ हो उसके पास, आम आदमी नहीं है ये रौनक भी, ठीक है उसके पास 40 लाख है तो क्या वो पूरी कौम को गाली देगा? गाली नहीं दे रहा, वो हमें हकीकत बता रहा है, ये तो गाली दे रहा है ना, ये हकीकत है, ये गलत बात है। अगर देखो ना, मुझे 40 लाख या 50 लाख हिंदू लोग जो है ना पसंद करते, ठीक है ना, मैं दूसरे मुल्क से बात कर रहा हूँ,
मैं ना हिंदू लोगों को गाली दूं, किसी एक ने या दस ने या बीस ने गलती की, उनके नाम आप ना ले रहे, लेकिन आप ऐसे बोलो भाई पाकिस्तान में मुसलमान कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से जो है ये मामलात पैदा हुए, बंगालियों से ये मसला हुआ, ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे नहीं, पूरी मुसलमान कौम को टॉर्चर करने का किसी को हक नहीं है। अगर मुझे हक नहीं है हिंदू धर्म को गाली देने का, कोई दूसरा भी ऐसे ना लफ्ज़ बोले। हर किसी के धर्म की अपनी इज्जत है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। आप इज्जत ना करोगे तो हम थोड़ी इज्जत करेंगे, लेकिन फिर भी हम जो है आपकी इज्जत कर रहे हैं। ये बोला अयूब खान नफरत करता था बंगालियों से। अगर अयूब खान ने नफरत की, आपने बताया कि अयूब खान ने नफरत जो है बंगालियों से नफरत की, हाँ तो किताबों में भी लिखा है, जनरल जिया ने भी जो है कुछ लिखा है किताबों में, तो ये बात ठीक है ना, ये बात आप हकीकी सही बोल रहे, ठीक है। लेकिन क्या अयूब ने या जिया ने आपको ये बोला कि क्या आप पूरी कौम को गाली दो? सरबरा तो वो ही थे ना, तो सरबरा थे तो उस कमीने को गाली दी जाए ना जिसने भाई वो कौम का सरबरा है, मतलब शामिल हम भी थे ना। अगर नरेंद्र मोदी ने कोई गलती की है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेके हम टॉर्चर करें ना, हम पूरे धर्म को क्यों टॉर्चर करें? ये बात गलत है। इसने भी नहीं बोला, आपको जो है ना ये सियासत का मसला है, इसमें आपका तजुर्बा कम है। और दूसरी बात ये, आप पाकिस्तानी सियासत का आपको तजुर्बा, हम इंडिया की सियासत जानते हैं बस यार, हमें पाकिस्तानी नहीं ज्यादा जानते ना, इसलिए तो हम हैरान होते हैं, हमें इंडिया की सियासत पता है भाई। देखो ना, अगर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, शेख हसीना ने या वो शेख मुजीब रहमान थे उनकी वजह उन्होंने जो ये अलग किया, अगर उनसे पाकिस्तान की आर्मी की नहीं बनती थी तो उन्होंने अलग कर दिया, या किसी और लोगों की वजह, कुछ और लोग शामिल होंगे। वो रेप किया ना वो वहाँ पे जाग गए लोग, भाई ये 30 लाख औरतों की रेप की है। या ये आप बता रहे हो, वो जो बता रहा है उसके कहने पे आप बता रहे हो, क्या मुझे दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, किताबों में लिखी हुई बातें दिखाओ। भाई अंग्रेजों ने बहुत दिखाओ। मेरी कमबख्त, मेरी 29-30-32 साल उम्र है मेरे अंदाजे में होगी, तो मुझे आज तक ये पता नहीं है कि 30 साल औरतें वो उसको निश्चो नाबूद दुनिया कर देती। ये कंट्रोल है ना, मीडिया में भी कंट्रोल है ना, हमें भी इंडिया से पता चला, हमें इंडिया को कैसे पता चला कि उनके पास मलाइक फरिश्ते बैठे हुए थे क्या? या नहीं 30 लाख तो इंडिया वालों ने ही तो बांग्लादेश के लोगों की मदद की और उनके उन्हें जो है अलग देश बनवा के दिया, इंडिया वालों ने किया ना, कि वो वहाँ पे भी हिंदू थे। ये भी बोल रहा है ना, हम हमेशा इंडिया को कसूरवार ठहरा दे, हालांकि इंडिया का हाथ है ही नहीं, सिर्फ अपना है। अरे यार, अगर हम कसूरवार है तो आप हमें कहो, मैं बेस इसी बात पे कर रहा हूँ, आप पूरी कौम को जो है तनकीद ना करो। आपको क्या दिया है? अगर वो बता रहा है कि वो पीएम जो है पीएम शहबाज शरीफ की बात बोल रहा था कि वो जोकर है, वो कार्टून है, वो ऐसा है, वो भेड़िया है, ये बोल रहा है, हाँ ना भाई, कैसा भी हो वो कोई पुतला हो, लेकिन हमारे लिए वो जो है ना हमारे मुल्क का वजीर आजम है। तालियां बजा रहा था ना, वो किसी शो की थी भाई। हाँ, और ये जनाब बता रहा है कि बांग्लादेश जो है वो दंगा फसाद हुआ तो पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ तालियां बजा रहा है ऐसे। अरे भाई, किसी शो में होगा, कोई फंक्शन में होगा, आजादी के दिन पे होगा कि तो वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ, ये बात है भाई। अरे भाई चलो ठीक है, कुछ तो बात बन गई, आपने माना कि हमारे पीएम ने कहा है कि हर सहूलत देंगे बांग्लादेशियों को, ये भी हाँ देंगे। अब देखो ना, अब देखो ना, 30 या 40 साल के बाद देखा है कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कर रहा है, तो अब हमें पता चला है कि हमारा वो मुल्क का हिस्सा था, हम कुछ भी करेंगे वापस हासिल कर लेंगे। अब नहीं, आप बोलते हो ना, आपको ये लीडर बोलते हैं हमारे मुल्क को कयामत तक कोई नहीं तोड़ सकेगा,
तो फिर बांग्लादेश कैसे अलग हुआ? बांग्लादेश तो ये बात ये बात कहूंगा ना, ये भारत वाले भी कहते रहते हैं अखंड भारत चाहिए। हाँ वो तो बनने का। हाँ अखंड भारत में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारे हैं। तो कंट्रोल करेंगे वो लीडर है, वो संभाल लेंगे भाई, इतना देश चला रहे हैं तो वो भी चलाएंगे। हाँ भाई चलाएंगे चलाएंगे ये हम बाकी बात जो बता रहे थे कि 53,000 जो हमारे फौजियों ने सर। हाँ तो 1,00,000 नहीं 53,000 यानी 91,000 थे होंगे। तो देखो ना वो बात ठीक है कि 91,000 जो है हमारे जवानों ने सरेंडर किया, लेकिन असल जो वजह है असल बात आपको नहीं मालूम है। आप सुनी सुनाई बातों पे जो है ना अमल कर रहे हो। तो क्या खोज करें हम? यार 53,000 जो हमारे जवान थे वो देखो ना, अगर किसी के घर पे कोई हमला करता है अगर वो बुजदुल नहीं है उनमें एक भी जो है ना एक बच्चा चाहे हो बहादुर है ना, तो पूरे फैमिली को जो है ना वो बहादुर बना देता है। ये बात है। उनके भी 200-300 तो अगर हमारे 93,000 थे हमारे जवान तो उन्हें रोका गया, आपको ये मालूम नहीं है? आप जो है ने रोल भाई की बातों पे जो है यकीन कर रहे हो। वो बोल रहा है उन्होंने हुक्म ही नहीं दिया, हमारे वालों ने खुद ही सरेंडर किया। वो यार डर की वजह से हमारे जवानों को बताया गया कि मसला हल हो गया है, आप कोई भी अटैक ना करना। अच्छा आपको जो है इनकी बातों पे आप ये क्या जो है अमल कर रहे हो वो बताएगा। काम सर देखना आप ऐसे थोड़े ये कोई किसी के सर पे जो है गणपति आगे रखेगा कि आप खुद सेनेटर हो जाओ। या 93,000 कोई तो माइकल लाल होगा, कोई तो गैरतमंद होगा जो बोलेगा मैं मर जाऊं मिट जाऊं लेकिन मैं जो है ना हार नहीं मानूंगा। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे नहीं है। उनको ये मार देते होंगे ना, जो आवाज उठाएगा तो गला दबा देते होंगे। तो ये यार हमें जो कुछ लफ्जों पे हम जो है ना मजबूत भी करते हैं और अफसोस भी है हमें। बाकी जो बात है ना जो भी गलत करे आप उसको छोड़ो नहीं, खींचो उसको। गुजरा हुआ सा वक्त है, अब जो है किसी की गलतियां और कौन भुगत रहा है, ये मैं एक जो है ना मिसाल दे रहा हूँ, किसी की गलतियां कौन भुगत रहा है। आज के ज़माने में हम जलील और रुसवा हो रहे हैं क्योंकि हम ना हमारा कोई दोष भी नहीं है। उस वक्त हम पैदा शायद नहीं थे, अब जो है ना हमें कुछ अनसर लोगों के जबान से गालियां सुननी पड़ रही है, हमें अफसोस है यार। बिल्कुल हाँ भाई, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए सच्चाई सामने आ ही जाती है। भाई सरेंडर हो गया, ये भाई लिख गया किताबों में, हिस्ट्री में नाम आ गया, अब चाहे कुछ भी बोलो कि नहीं हुआ था ये था या जज्बा था, बदल नहीं सकता, बदल नहीं। अब झूठ हो या सच हो अब आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो जो है ना तारीख में लिख गया, लिख गया ना, आप नहीं मानते ना बोलते हम इसीलिए नहीं मानते थे कि वो कुछ गलत लोग। आपको खान सर को वीडियो दिखाएंगे, आपको खान सर अच्छे से समझाएगा और जो आलोक भाई है ना वो भी प्रूफ के साथ बता दे कि हमारे जर्नल जो है वो किस तरह, जैसे आपका जो भाई मेजर साहब है, हाँ मेजर गौरव आर्या, इनकी वीडियो आपको दिखाएंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। और वकार भाई का 1.5 साल वाला पुराना चेहरा आ गया है, इनको कोई लग गया है किसी का साया, बट धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। हम तो समझ गए हैं भाई, मानते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा अपना है ना, हम बताएंगे ना अपनी फीलिंग है भाई, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना होगा, बाकी जो है ना ऐसी बातों में हम नहीं जाएंगे भाई। जो बात है ना, बात ये है कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई ना बोले और हमारी कौम के खिलाफ कोई ना बोले, बाकी जो लोग गलत करते हैं उन्हें आप सीना ठोक के बोलो, हम आपका साथ देंगे। सही बात है। तो दोस्तों ये था हम वीडियो, दबाएंगे उनको। 1971 वार की रियलिटी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ।